नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत तुतीयुस। आपको पता है कि सीटों का बंटवारा न तो एनडीए में हो पा रहा है और न ही महागठबंधन में। दोनों ही गठबंधन के लोग एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। एनडीए की कोशिश है कि पहले महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाए, फिर हम करेंगे, और महागठबंधन इस इंतजार में बैठा है कि पहले एनडीए में सब कुछ फाइनल हो जाए, उसके अनुसार सीटों का बंटवारा करेंगे और अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो इसी ऊहापोह में दोनों ही गठबंधन में घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, और इस बीच आरजेडी का जो बयान आया है उससे उसके सहयोगी दलों की चिंता और नाराजगी बहुत बढ़ गई है। आरजेडी ने कहा है कि 160 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगा, क्योंकि पहले से 80 विधायक हैं आरजेडी के, और सबसे बड़ा दल है, सबसे ज़्यादा जनाधार है उसका। तो आरजेडी ने 160 सीटों पर जैसे ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद सहयोगी दलों की बेचैनी बढ़ गई है। रालोसपा ने कहा है कि इस तरह का बयान आरजेडी के किसी नेता को नहीं देना चाहिए, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक फाइनल बैठक हुई नहीं है। जब तक सभी दलों के नेता एक साथ बैठेंगे नहीं, भला कैसे तय हो सकता है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो लगातार संदेश दे रहे हैं सहयोगी दलों को कि जो तय करेंगे वही मानना पड़ेगा। जीतन राम मांझी को नज़रअंदाज करते रहे और उनको महागठबंधन से बाहर होना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी उनकी बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, और यहाँ तक कि कांग्रेस के साथ भी कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। तो तेजस्वी यादव की प्राथमिकता पहले कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा करने का है, और उसके बाद छोटे दलों के साथ वो बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव की ये भी कोशिश है कि जीतन राम मांझी भले महागठबंधन से बाहर चले गए, लेकिन तमाम वामपंथी पार्टियों को साथ लेकर चला जाए। वामपंथी पार्टियों के साथ साथ बसपा को भी या भीम आर्मी को साथ लेकर वो चल सकते हैं। तो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, और इसी वजह से महागठबंधन के छोटे घटक दलों को ज़्यादा भाव दे नहीं रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने चिंता जताई है आरजेडी के नेता के बयान पर, और कहा है कि इस तरह का कोई बयान देने से गलत संदेश जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी आरजेडी के इस दावे को खारिज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग करती रही है, और कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो बहुत मजबूत है और अपने दम पर अकेले सब कुछ कर सकता है। तो सदानंद सिंह कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, और उनका ये बयान काफ़ी मायने रखता है। आप सुनिए सदानंद सिंह कैसे कांग्रेस आरजेडी को नसीहत दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो देखा है आरजेडी ने भी ना। देखा क्या नहीं, 2010 में अकेले चुनाव लड़ी तो कितने सीटों पर जीती, 23 सीट पर। हम भी 4 पर सिमट गए, लेकिन दोनों ने तो देखा अपनी अपनी शक्ति। बिना हमारे हैं वो इतनी ऊंचाई पर नहीं जाते, और जब तक हम लोग साथ रहे हैं तो साइजेबल सीट से जीते हैं। तो स्वाभाविक है दो दलों का मिलन होगा, शक्ति बढ़ेगी, अकेले कोई चना भार नहीं फोड़ सकता। कांग्रेस पार्टी की तरह आरजेडी भी अकेले चुनाव लड़कर सरकार नहीं बना सकती है। हम ये अकेले कोई भी दल अभी जो बिहार में है, अकेले कोई भी दल इस स्थिति में नहीं है बिहार में, चाहे सत्ताधारी दल हो, कि अकेले वो बहुमत ले आए। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, लड़ाई कैसी होगी, ईमानदारी से बताइए। नहीं, अब लड़ाई तो होगी। नीतीश कुमार का चेहरा है एक तरफ, तेजस्वी का चेहरा है, ये कितनी बड़ी चुनौती है महागठबंधन के लिए। अब देखिए, चेहरा किनका कैसे आता है, क्या आता है, वो बात की बात है, अभी तो ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन संघर्ष तो है, परेशानी है, मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई यह मुगलते में ना रहे कि हम बहुत ताकतवर हैं, दूसरे बहुत कमजोर हैं, इसी वजह से। तो आपने सुन लिया, सदानंद सिंह आरजेडी को नसीहत दे रहे हैं कि ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और अकेले सब कुछ कर लेंगे, अकेले मैदान मारने की स्थिति में कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन ठीक रहेगा, दुरुस्त रहेगा, तभी लड़ाई ठीक से हो पाएगी। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने तो विरोध किया ही है, जीतन राम मांझी महागठबंधन से बाहर ही हैं, सन अफ मलाम के सहनी सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं,
लेकिन उनके संपर्क में भी बीजेपी के नेता हैं और माना जा रहा है कि आखिरी समय तक बीजेपी कोशिश करेगी कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ आ जाएं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब चिराग पासवान एनडीए को छोड़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। सिटी पोस्ट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर आपके लिए हम लाते रहते हैं।